हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टारगेट मिशन। आप सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश ऑनर्स के हैं पार्ट वन के, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वन का बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे पहले आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि देखिए, इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से आप लोग का पैटर्न है, या कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है, या सब्सिडरी का पेपर की तैयारी कैसे करना है। आपको सारा कुछ एक वीडियो लाइव लिया गया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो पहले आप इन सारे प्रश्नों को करिए। ये पूरे 20 साल के प्रश्न से लिए गए हैं। और अगर फिर भी आपको टाइम मिलता है तो जो आप अभी तक पढ़ रहे थे आप बिल्कुल पढ़िए। लेकिन ये भी आप ही का क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो आप पहले इन सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर अगर टाइम मिलता है तो आप अपने प्रश्नों को भी पढ़ लीजिएगा जो आप अभी तक तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्लीज़ अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और सबको ये ज़रूरत है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये इम्पॉर्टेंट चैनल है आप लोग के एजुकेशन के लिए, आप लोग की पढ़ाई के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये 2020 में भी जो पैटर्न से पूछा गया था, उसी पैटर्न से आप लोग को ये बताया गया है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम पेपर आपके सामने रहेगा तो आपको खुद वहाँ पता चलेगा कि कैसे लिखना है या कितना क्वेश्चन करना है। देखिए, इसमें तो सिर्फ दो ही पूछा गया है, लेकिन इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं। आपको इन सारे टॉपिक को कर लेना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक है तो आप अच्छे से लिख सकें। नोट्स बना लीजिएगा। ए, एलिजाबेथ ट्रिटी। बी, क्रिस्टोफर मार्लो। सी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। डी, रेनेसेंस इन 16th century। ई, डेवलपमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा। एफ, अलेक्जेंडर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्री। जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रोमांटिक पोएट्री। एच, द सोशल नॉवेल इन द विक्टोरियन पीरियड। तो देखिए, यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सबको पढ़ना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिर्फ छोटे टॉपिक में ही पूछा जाएगा। अभी आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये सारे ही टॉपिक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ लीजिएगा। और इंग्लिश है तो आप अच्छे से एक बार स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, तो उससे कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लेकिन आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसलिए अच्छा है कि आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर बुक नहीं है तो आप YouTube पे भी पढ़ लीजिए। YouTube पे भी बहुत सारे टीचर अच्छे से इन सारे टॉपिक को भी करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और आपको क्या हेल्प चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, राइट ए नोट्स ऑन एलिजाबेथ सोनेट एंड सोनेट्रीज। ये एक प्रश्न हो गया। और शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट डिस्कस, मतलब इन दोनों में से कोई एक करना है, तो आपको दोनों याद करना है, ताकि आपको दोनों में से एक प्रश्न आया एग्जाम में तो आप अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वेयर द कैवेलियर पोएट्स, डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। और डिस्कस द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। क्वेश्चन नंबर फोर, ट्रेस ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। हाउ फॉर वुड इट बी करेक्ट टू से दैट इट इज़ बोथ ए रिवाइवल एंड ए रिवॉल्ट। तो ये है आपका प्रश्न। अब ये ऑलरेडी इंग्लिश ऑनर्स का है, तो इसको हिंदी में तो नहीं बताया जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न। और गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंडेंसी ऑफ द विक्टोरियन एज। व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमिस।
तो यहाँ पे ये दो प्रश्न हैं लेकिन और करके पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है। ये दोनों प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एक ही प्रश्न आएगा, आपको दोनों प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको यहाँ तक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मेजर रूल्स वर्ड फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं, मतलब इसमें कोई भी चेंज करके नहीं पूछा गया है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से पूछा गया है ये सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, एलाबोरेट ऑन द लैटिन एंड फ्रेंच बोरिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैटिन से भी पूछा जा सकता है या फ्रेंच से भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आप तीनों सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए नोट्स ऑन जेनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में होगा, अगर नहीं है तो आप गूगल या यूट्यूब से ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार स्टोरी की तरह पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप राइट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में कितने पेपर का ऑनर्स होता है या कैसे लिखना है, आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है लाइव सेशन का, आप ज़रूर देखिएगा कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं या कितने पेज में लिखना है या न्यू पैटर्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, लोन वर्ड आर द माइलस्टोन ऑफ फिलोलॉजी, डिस्कस विथ इलस्ट्रेशन। ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है कि एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पेपर में जो आपका ऑनर्स का पेपर आएगा वहाँ पे भी एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा कि इस पे कितना लिखना है। वहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपको इसमें से 2 लिखना है या 3 लिखना है या 5 में से 3 लिखना है, इस तरह से। तो आप उसको पहले ज़रूर पढ़िए अपने एग्ज़ाम कॉपी पे राइटिंग से पहले। यहाँ पे देखिए, शॉर्ट नोट बनाना है आपको इन सारे टॉपिक पे। ए, कंपाउंडिंग ऑफ वर्ड इन चार्ल्स डिकेन एंड द रियलिस्टिक नॉवेल। बी, द सर्च लिस्ट नॉवेल इज ऑफ 19th century। सी, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल। डी, मॉर्फिम। ई, अगस्टन एज ऑफ सैट्रिन। एफ, यूनिवर्सिटी रिट्स। जी, एल्फोनी। एच, ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग। आई, द गॉथिक नॉवेल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके इंग्लिश ऑनर्स के लिए। बस इतना ही आपका इंग्लिश ऑनर्स के लिए फर्स्ट पेपर के लिए पढ़िए, मोर देन सफिशियंट है ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप विश्वास रखिए, इन सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए। मेरा सलाह यही है कि आप इन सारे जो टॉपिक दिए हैं आप एक बार गूगल या यूट्यूब से बहुत अच्छे से पढ़िए और समझ लीजिए, ताकि आप जब लिखें तो बहुत ईजी वे से अपने लैंग्वेज में लिख सकें। और थैंक यू सो मच, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।